अभी जुलुक स्नो से सब ढक चुका है, देख ही सकते थोड़ा सा यहाँ पे सैंपल अभी मेल्ट हो रहा है। अभी ये जो कप नूडल्स होता है यही खा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट में। सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 3rd January 2022। तो जैसे आज हम उठ रहे थे तो मॉर्निंग में एक प्लान हो गया, तो अभी मैं घर पे हूँ आरिटर। तो प्लान ये हो चुका है कि आज हम जाने वाले हैं जुलुक, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले उधर स्नोफॉल हुआ था, तो अभी कुछ ही दिनों में मेल्ट भी हो जाएगा शायद। तो उस मेल्ट होने से पहले हम लोग जाना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं, विटनेस करना चाहते हैं। अभी अभी चलते हैं शुरू करके। सो बैग अंदर जा चुका है और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा शूज जा चुका है क्योंकि स्नो में जाना है। तो अभी सब अंदर जा चुका है तो अभी हम जाएंगे। तो अभी ये चाय पीते हैं उसके बाद ही जाते हैं। ओके भाई, थैंक यू, फिर मिलेंगे। तो अभी हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका है। अभी ये जहाँ से गुजर रहे हैं ये वाला है हम लोगों का खुद का गांव। तो यहाँ से बाहर निकलने में 2 किलोमीटर है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे आरिटर वाला रोड, उससे हम नीचे जाएंगे और मानसरोवर रोड पकड़ के रंगली जाएंगे। रंगली से और ऊपर चढ़ना है क्योंकि रंगली में जाके लास्ट पॉइंट है जहाँ से हमें पास मिलेगा, वहाँ पास बना के हमें ऊपर जुलुक की ओर जाना है। पे हम लोग अभी मानसरोवर रोड में एंटर कर चुके हैं। सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रैपलिंग टूर्स एंड ट्रैवल्स। व्हेनेवर यू कम टू सिक्किम और इफ यू आर प्लानिंग टू कम सिक्किम, देन यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट फ्यू प्लेसेस ऑफ सिक्किम, क्योंकि कोई कोई जगहों में आपको परमिट चाहिए और पहले से ही रूम बुक चाहिए क्योंकि लिमिटेड स्पेस है। तो कभी भी आप सिक्किम आते हैं तो क्रैपलिन टूर्स एंड ट्रैवल्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हीं से आप घूम भी सकते हैं। नहीं तो आप प्राइवेट व्हीकल लेके और बाइक लेके आ सकते हैं और परमिट का काम उनसे कर सकते हैं। और नहीं तो फिर ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, जहाँ भी जाना हो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पहले से ही कॉन्टैक्ट करके आइए क्योंकि बाद में जाकर ट्रॉबल नहीं होगा। अगर आप लोगों को सिक्किम का किसी भी प्लेस के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग उन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सो दे आर रेडी टू हेल्प यू। सो उतना कंफ्यूज मत होइए क्योंकि यहाँ पे नेचर अच्छा है, यहाँ का जो भी वादियाँ है सब अच्छा है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है एकदम फर्स्ट क्लास है। आप लोग फैमिली के साथ आ सकते हैं, आप लोग अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं, कभी भी आइए, वी आर रेडी टू हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच एंड डू कॉन्टैक्ट क्रैपलिन टूर्स एंड ट्रैवल्स व्हेनेवर यू कम टू सिक्किम। ये वाला है मानसरोवर रोड, पहुँच गए हैं 40 से और जो आज का प्लान था वो मॉर्निंग के टाइम था और अभी स्नोफॉल हो चुका है ऊपर, तो आशा करते हैं कि उधर स्नो मेल्ट नहीं होगा अभी तक। तो अभी हम यहीं पे हैं। और यहाँ पे भैया ड्राइव कर रहे और यहाँ पे है चोंग और यहाँ पे सूरज, ये लोग वादिया का एंजॉय ले रहे हैं। वादिया बहुत अच्छा है यहाँ पे, यहाँ का जो भी नेचर है, और ज़्यादातर ये प्लेस कूल ही होता है क्योंकि यहाँ पे उतना सनलाइट नहीं पड़ता है डे में भी, तो उसी कारण थोड़ा सा ठंड होता है। तेल
पानी का स्टिक दिखा रहा है ओनली 3, तो अभी इसको फुल करना है, फ्यूल भरेंगे उसके बाद ही जाएंगे, क्योंकि ऊपर कोई फ्यूल ये पंप मिलने वाला नहीं है, तो पेट्रोल पंप मिलने वाला नहीं है, तो यहीं पे भर के जाना पड़ेगा। रोंगली से 1.5 से 2 किलोमीटर आगे ही एक पेट्रोल पंप है, वहीं वो लास्ट पेट्रोल पंप है, उससे ऊपर नहीं है, तो वहीं डालेंगे उसके बाद ही जाएंगे। यहाँ पे जा चुका है पेट्रोल 2000 का। अभी रोंगली का जो ब्रिज है वो हम क्रॉस कर चुके हैं, आगे दिखाई देता एक बार। अभी रोंगली एंटर कर चुके हैं, ये वाला है रोंगली मार्केट। ये मार्केट लास्ट मार्केट है जहाँ से आप ऊपर सिल्क रोड की ओर जाएंगे, इससे ऊपर कुछ भी मार्केट नहीं है, छोटा छोटा दुकान ही है। अभी जो गर्म कपड़े वगैरह, जो चिप्स विप्स, जो जितना भी खरीदना है आप लोग को, पंजा टोपी है ना, ऊपर जाते वक्त यहीं से खरीदना है। हम पहुंच गए रंगली, यहाँ से पास बनाना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं टूरिस्ट का जो जितना भी गाड़ी है, ये सब टूरिस्ट व्हीकल है इधर और इधर, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है जहाँ पे आप लोगों को पास बनाना पड़ता है। और हम लोग आए सपना टूर्स एंड ट्रैवल्स, तो यहाँ पे है गोपाल सर, हेलो, और यहाँ पे है सिमरन, और यहाँ पे भाभी जी, हाय, हेलो। हम लोग परमिट बनाने के लिए जा रहे हैं, और ये जो भी हम लोगों का सपना भाभी है, उनका बेटी सिमरन है, तो अब ये जा रही है PS यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे परमिट बनाने के लिए। लास्ट यहाँ पे एक स्टैंप लगेगा पुलिस से और एंट्री भी होगा। और ये रहा यहाँ का पुलिस स्टेशन और परमिट बनाने की जगह, वहाँ पे है परमिट, वहाँ पे बनता है। हाँ, कैमरा नॉट अलाउड, तो अभी क्लोज करता हूँ। तो अभी यहाँ पे परमिट आ चुका है, और सो वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम अरेरा, सो नाउ वी आर इन रोंगली। सो अभी पास इश्यू होने के बाद हम लोग जाएंगे लिंगटाम, फदमचेन, उसके बाद जुलू। सो यहाँ बीच में होगा शायद थंबी पॉइंट, यहाँ तक नहीं जाने दे रहे हैं, तो यहाँ तक। तो अभी हम रोंगली से ऊपर चढ़ रहे हैं, और हमारे साथ दूसरा गाड़ी भी है, उसको भी देख रहे हैं साथ में, लेकिन वहाँ पे गाड़ी तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, शायद वो लोग निकल चुके हैं। तो ऐसे ही जाते हैं इंजॉय करते करते। तो अभी हम पहुँच गए मकेबारी डैम, ये पूरा डैम का रीजन है, इससे नीचे डैम है, यहाँ से दिखाई तो नहीं दे रहा है, आगे भी दिखाई। तो ये रहा लिंगटम चेक पोस्ट, ये रहा फर्स्ट चेक पोस्ट टुवर्ड्स सिल्क रूट। यहाँ चेक पोस्ट में पूरा परमिट शो हो चुका है। देख ही सकते हैं समर का टाइम यहाँ पे बड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ था, तो अभी भी इसका सब रॉक्स वगैरह मट्टी सब है, तो इसको जल्दी जल्दी क्रॉस करना है। इतनी बढ़िया कलर है JCB का। पान तो ऐसे नहीं खाता हूँ, लेकिन ऑक्सीजनेट कभी कभी खाता हूँ, तो जब भी ऐसे ऊपर ठंड के, ऐसे ठंड भी ऊपर चढ़ते हैं तो ये चाहिए, क्योंकि आप को बॉडी में जो भी है हीट प्रोड्यूस करता है, तो पान लेते हुए बढ़िया होता है। ये पान सब जो भी चीज़ है आप लोग नीचे रोंगली से ही लेके आना, नहीं तो बीच में दुकान उतना नहीं मिलेगा। राइट नाउ वी आर इन फदमचेन, सो अभी यहाँ पे एक परमिट और दिखाना होगा, एक तो नीचे दिखाया था लिंगटाम में, तो दूसरा परमिट अभी फदमचेन में, तो उससे ऊपर भी एक देना है, तो अभी एक परमिट देने के लिए अभी वो आ रहा है पास जो भी है पुलिस चेक पोस्ट, वो आ चुका है अभी। सो दिस वन इज अनदर चेक पोस्ट व्हिच इज इन फदमचेन, पिकेट पोस्ट फदमचेन।
सो यहाँ पे परमिट शो हो चुका है। तो अभी ये रहा हम लोगों का जो भी दूसरा गाड़ी था वो आगे का है। जिस जगह पे अभी हम, यहाँ से व्यू एकदम बढ़िया दिखता है, तो आप देख ही सकते हैं जैसे हम कॉर्नर मोड़ेंगे उसी टाइम आप लोग दिखा सकते हैं उस साइड भी सब माउंटेन्स अभी नीचे आ चुका है। मैगी खाने के लिए अभी रुके, ये लोग अभी टूट पड़े क्योंकि इन लोगों को बहुत भूख लगा है, तो यहाँ का जो भी नजारा है वो देखते देखते खाएंगे। वाह बढ़िया है। अभी ये जो कप नूडल्स होता है यही खा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट में। कैसा लग रहा है सूरज तुम्हें? मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका ये पहले भी आ चुका है, इसको उतना डिफरेंस नहीं लगेगा। तो सॉन्ग कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है। अच्छा, और कभी कभी देखे थे? नहीं, बर्फ कभी नहीं देखे थे ना? नहीं, इसने बर्फ कभी नहीं देखा था, तो शायद अच्छा ही लग रहा होगा, शायद खेलने का मन कर रहा होगा। बढ़िया है, जगह एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे जितना भी बड़ा बड़ा गाड़ी है ये सब चेन लगा के यहाँ पे चलाते हैं टायर पे। यहाँ पे निशान भी देख सकते हैं, पूरा चेन का ये निशान है। सो वी आर इन जलुक, तो अभी कॉफी पीने वाले हैं। बढ़िया है, देखने में मिस्टर नूडल लिखा है लेकिन अंदर कॉफी है। वी आर एक्सपीरियंसिंग स्नोफॉल इन जुलूक। यहाँ से जल्दी जल्दी करके निकलना है क्योंकि स्नोफॉल अगर एक बार हुआ तो पूरा रोड ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद तो यहीं पे बैठना पड़ेगा। बहुत ही शानदार है यहाँ का व्यू, लोग नीचे आइस में खेल रहे हैं। लोकल टूरिस्ट इतना स्नो के साथ एंजॉय करते हैं, बाहर के लोग तो ऑब्वियसली एंजॉय करते ही हैं। अभी जुलूक स्नो से सब ढक चुका है, देख ही सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे सैंपल अभी मेल्ट हो रहा है। कुछ दिन पहले स्नोफॉल हुआ था तो सब बर्फ से ढक चुका है सब रूफ भी। अभी जुलूक में देख ही सकते हैं भारी भरकम स्नोफॉल हो चुका है, तो आज भी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा ही है। तो जब भी आप आते हैं तो अच्छे से आना क्योंकि ग्लोव्स आपको सही वाला ग्लोव्स चाहिए और टोपी भी अच्छे से चाहिए। और जैसे भी आते हैं तो प्रिपेयर्ड आइए, कुछ मेडिसिन वगैरह लेके आइए क्योंकि कभी भी आप फंस सकते हैं, बहुत ठंड हो सकता है। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा
स्नोफॉल हो चुका है, अभी कुछ ही दिनों में शायद ये मेल्ट भी हो जाएगा और आज स्नोफॉल होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी जितना घूमना था घूम लिया, फ़ोटो क्लिक करना था क्लिक कर लिया, अभी भी एक दो फ्रेंड्स अभी आगे चले गए बर्फ़ को देखने के लिए। देख ही सकते हैं कितना अच्छा बर्फबारी हो चुका है और वो ये जो नीचे हम लोग देख रहे हैं वो है जुलुक। ठंड एकदम ज़्यादा है अभी। अभी मौसम देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्नोफॉल होने ही वाला है, तो अगर थोड़ा देर बैठेंगे तो स्नोफॉल हो ही जाएगा, लेकिन हमें बैठना नहीं है क्योंकि गाड़ी अगर फंस गया तो यहीं पे रहना पड़ेगा। हमें जाना है नीचे आरटीआर की ओर, तो नहीं रहेंगे थोड़ा, शायद हाफ एन आवर के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अभी जो यहाँ का वेदर एकदम चिल्ड है अभी, तो बारिश और स्नोफॉल दोनों एक साथ हो सकता है। This is one of the best moment to have coffee in cold like this snowy mountain. एकदम बढ़िया लग रहा है, बढ़िया फील कर रहा हूँ अभी और एकदम मौसम बिगड़ रहा है अभी। अभी हम लोगों का ट्रिप भी ख़त्म हो गया है, स्नो जो देखना था वो भी देख चुके हैं, लंच कर लिया और कॉफ़ी भी पी लिया। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे लिंगधाम की ओर और वहाँ से फिर रंगली हो गए, फिर उधर से हम जाएंगे आरेटार। अभी यहाँ पे ड्राइवर चेंज हो चुकी है, यहाँ पे सिमरन आ चुकी है, तो मुझे बहुत डर लग रहा है लेकिन बहुत स्मूथ जा रहा है अभी तक। आशा करते हैं नीचे रंगली तक अच्छे से पहुंच जाएंगे। रोड का कंडीशन थोड़ा अच्छा नहीं है, बीच बीच में इस तरह का पैचेस है जहाँ पे कारपेटिंग नहीं हुआ है, जो मेटलिंग रोड नहीं है, तो उसमें थोड़ा डर लग रहा है। और ये रहा लिंगधाम, अभी लिंगधाम को बोलते हैं बाय बाय। अभी हम जा रहे हैं रंगली की ओर। थोड़ा सा कंट्रोल करके चलाइए, उसमें भलाई है आपका भी, और हमें इतना जल्दबाजी भी नहीं है क्योंकि कभी भी पहुंच सकते हैं ना, तो इसीलिए कैसा लगा आपको ड्राइव करके कैसा लगा? अच्छा लगा होगा ना। अभी हम रंगली पहुंच ही गए, तो रंगली एंटर करने वाले हैं, तो अभी जाके सिमरन बढ़िया सा चाय बनाने वाली है, तो मैंने तो सबको खिला दिया ऊपर ही। नेक्स्ट टाइम मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक स्टॉप भी लेके चलूंगा गाड़ी में।
अभी हम पहुंच गए घर। आज का ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा, तो थोड़ा सा जुकाम आ चुका है अभी ठंड के कारण, लेकिन अभी नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को इंक्लूड करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सो दैट विल बूस्ट अप मी। सो अभी के लिए बाय, गुड नाइट। हम लोग पहुंच गए अभी आरी टावर में अपना घर, तो अभी बज गया है 7, क्योंकि हमने थोड़ा सा टाइम लिया रंगली में, क्योंकि वहाँ पे हमने अपना लंच वहीं पे लिया था। तो अभी भी जल्दी जल्दी करके सोना है। और अगर आज का मैं जो भी ट्रिप का बात करूँ, तो जो लुक ट्रिप एकदम बढ़िया रहा, 100% फुली प्लान्ड एज पर द प्लान रहा, क्योंकि ट्रिप एकदम अनप्लान था, लेकिन जो भी प्रोग्राम था, जो भी ट्रिप था, वो एकदम बढ़िया रहा, एकदम 100% अकॉर्डिंग टू प्लान रहा। और बर्फबारी एकदम देखने को मिला, और रास्ते में भी उतना ख़राब नहीं था रास्ता भी, तो बहुत ही बढ़िया रहा। और कल जल्दी जल्दी करके हमें जाना है वेस्ट सिक्किम, तो जल्दी जल्दी करके सोते। सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।